दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर आपसे चर्चा करेंगे आधार कार्ड को डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करना है। जैसे कि आपका आधार कार्ड इश्यू होकर के 10 साल के ऊपर हो गया, तो आप अभी तक कोई आपका आधार कार्ड का अपडेट नहीं किया, इसलिए आपको एक एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ को जमा करके आपको आधार कार्ड को फ्री में ऑनलाइन में अपडेट कर सकते हैं, या किसी आधार सेवा केंद्र में जा करके आप वहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं है। अभी दो बार डेट एक्सटेंड हो रखा है, अभी तीसरी बार भी डेट एक्सटेंड हो गया। 14 दिसंबर 2023 तक आप फ्री में कर सकते हैं। बाद में कितना पेमेंट आएगा कोई पता नहीं है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि पैन कार्ड का जो लिंक करना था वो पहले फ्री था, अभी 1000 रुपया पेमेंट हो गया। इस तरफ आधार कार्ड के भी आ सकता है, तो आपका 1000 रुपये से बचाने के लिए आज ही आप किसी भी आधार सेंटर या अपना मोबाइल फोन या कोई डेस्कटॉप या कंप्यूटर सेंटर में जाके अपना आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करो, ताकि आपका आधार कार्ड वैलिड रहे या फिर बाद में पैसा दे के अपडेट करना जरूरत ना पड़े। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंतिम तक देखे, ताकि आपका आधार कार्ड को जो डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपडेट करना है और इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, हम आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंतिम तक देखें, और आपसे छोटा सा निवेदन, आप यदि इस चैनल में नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन चूज करने से भविष्य में इस तरह नए नए वीडियो आपको यूट्यूब पेज नोटिफिकेशन एरिया में आते रहेंगे। चलते हैं आज के वीडियो टॉपिक, आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट को कैसे ऑनलाइन में अपडेट करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा myaadhar.uidai.gov.in, ये लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से आप डायरेक्ट इस लिंक को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट अपडेट, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14 दिसंबर 2023 तक, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर सकते हैं सबमिट। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें। तो यहाँ पर क्लिक टू सबमिट इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका न्यू आधार पेज खुल जाएंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर को एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे दिए गए कैप्चा को एंट्री कीजिएगा। और आपके पास जो एक चीज याद रखना, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ में, उसको आपका बगल में रखना बहुत जरूरी है, और आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको आपका डेस्कटॉप में रखने से क्या इसीलिए आप अपलोड कर सकता है। मैंने सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ओटीपी आ जाएंगे उस ओटीपी को यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। उसके बाद ओटीपी एंटर हो गया, यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। विद इन फ्यू सेकंड के अंदर आपको न्यू पेज खुल जाएंगे, यानी कि आपका जो आधार कार्ड के साथ में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, यानी कि मैक्सिमम 2 MB और उससे नीचे ही होना चाहिए। और सपोर्टेड फॉर्मेट क्या है आपका, जेपीईजी, PNG और PDF, ये तीनों फॉर्मेट होगा, और बिलो 2 MB का साइज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पे देखिएगा कई सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हम आपको यहाँ पे देखिए वोटर कार्ड, ई वोटर आईडी कार्ड, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है एडवाइजरी दे रखा है, जो आपका शू डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लेन द ब्लू एडवाइजरी, द वोटर कार्ड ई वोटर कार्ड मस्ट हैव नेम फोटोग्राफ ऑफ द रेसिडेंट, स्कैनड इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एलिजिबल। ओके, हमने ओके कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, हमने यहाँ पे देखिए प्लीज अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, तो हमने कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर सेलेक्ट किया, और हमने जो भी डॉक्यूमेंट है वो जो डेस्कटॉप में रखा था एपिक कार्ड, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, और नेक्स्ट चलेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे देखिएगा कई सारे ऑप्शन दे रखे, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले लेंगे। तो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपको नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स होना जरूरी है, तो हमने यहाँ पे देखिएगा ओके कर दिया है, और यहाँ पे उसको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड, यहाँ पे देखिएगा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे ले लिया है। तो इसके बाद जो भी अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आई हियर बाय गिव माय कंसेंट दैट द इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अपलोडेड बाय मी मे बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन एट द स्टेज बाय द गवर्नमेंट, आपको वेरिफिकेशन के लिए वो ले सकता है।
इसको चेक मार्क करना, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर रहा है, प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। एक बार आपको आधार को वेरीफाई कर देना, उसके बाद ओके टू कंफर्म कर दीजिएगा। डियर रेजिडेंट, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2023 तक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी आ गया है और इससे सबमिट करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने सबमिट किया, आपको विद इन फ्यू सेकेंड के अंदर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो अमाउंट लगा था जीरो, और यहाँ पे देखिएगा एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट के साथ में आ गया है। ये था प्रोसेस जो आधार इश्यू हुआ मोर देन 10 ईयर्स बैक और उसका कोई भी अपडेट नहीं हुआ, वो इसको रेकमेंडेड करना है कि ये डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को करना मैंडेटरी है, ताकि आपको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी और मेंटेन कर पाए। तो वीडियो के अंदर आपके पास कोई भी डाउट होंगे, आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। साथ में आपसे छोटा सा निवेदन, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपका दोस्तों का भी शेयर करना, ताकि वो भी अपना आधार कार्ड जो 10 साल का पुराना है तो वो अपडेट नहीं किए तो अपडेट कर पाए। हम फिर मिलेंगे अगले नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।